अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरोट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये है कि पैरोट का पैर मींस लेग पैरालाइज्ड क्यों हो जाता है। और ये मैं वीडियो एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे बना रही हूँ। उन्होंने कमेंट किया था कि लेग पैरालाइज के लिए कोई फूड बताओ, तो मैं इसका आपको पूरा ट्रीटमेंट बता रही हूँ, वो भी डॉक्टर के कंसर्न से, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे थी नहीं, अब है, इसीलिए मैं श्योर होके ये वीडियो बना रही हूँ। इसलिए एंड तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको काफी इन्फॉर्मेशन चीजें इस वीडियो से पता चलेगी। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो ना करें, और आपके पैरट के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आपको इससे हेल्प मिले। सो पैरट का लेग पैरालाइज्ड इसलिए होता है विटामिन ए की कमी से और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से। ये विटामिन्स की वजह से चांसेस होते हैं पैरट का लेग पैरालाइज होने के। नेक्स्ट, अगर हम उन्हें खुली हवा में रखते हैं विंटर के सीजन में, स्पेशली ठंडी हवा में रखते हैं या ठंडे फ्लोर पे हम अगर उन्हें छोड़ देते हैं, तो ये सब चीजें होती है सब की वजह से पैरालाइज होने का चांस होता है। तो आप कहोगे पैरालाइज्ड होने का रीजन मेन ये है कि मौसम जो चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, ये मौसम चेंज के वक्त ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है पैरट को पैरालाइज्ड की। ठीक है, आपको इसी वक्त इसका ज्यादा टेक केयर करना है, स्पेशली बेबी पैरट को इस वक्त आपको फ्लोर पे नहीं निकालना है। ठीक है, और मौसम चेंज बिग इशू, बहुत सारे केसेस होते हैं इस टाइम पे पैरालाइज्ड के, बट आप अगर उनकी ऑलरेडी टेक केयर कर रहे होंगे तो ये सब चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप टेक केयर नहीं करते हो, इसी वजह से ये इश्यूज हो जाते हैं पैरट्स के साथ। तो मैं आपको दो मेडिसिन के नाम बता रही हूँ जो स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, नेरोबॉइन 40 एंड नेरोकाइन ओडी। ये दोनों मेडिसिन आपको पैरट को हाफ 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 करके देनी है। वन हाफ आज देनी है तो वन हाफ कल देनी है, मतलब एक टैबलेट आपको दो दिन यूज करनी है, क्योंकि पैरालाइज होने के बाद पैरट खुद होके नहीं खाते, आपको उनको हैंड फीडिंग ही कराना पड़ेगी। तो आप जो भी उसको फूड दे रहे हो, या जो भी, अगर वो जो भी खाता है आप उसको सीरिंज से पिला रहे हो, या फिर जो भी चीज़ में आप फूड में मिक्स करके उसको दे दो। और ये दोनों मेडिसिन डॉक्टर से रिकमेंडेड की हुई मेडिसिन है। और जब आपका पैरोट जैसे जैसे ठीक होगा, इसका डोज आपको कम कम करते जाना है, एंड एक गोली के आपको एक मेडिसिन का 4 पार्ट करना है, और वो छोटा सा 1 पार्ट उसको 1 डे देना है, एक मेडिसिन आपको 4 डे यूज करनी है। जब अपना जब आपका पैरोट रिकवर करना चालू करेगा उस टाइम बोल रही हूँ मैं। और अपने पैरोट को ज्यादा से ज्यादा सनलाइट में रखना है। सनलाइट पे डेलिकेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देखें ताकि आपको ज्यादा हेल्प मिले, जिससे उसको विटामिन डी मिलेगा। बाकी आप वेजिटेबल फ्रूट दे दिया करो, उसमें सारे विटामिन होते हैं। और अपने पैरोट की अच्छे से टेक केयर करो। आई होप ये आपको वीडियो समझ आई हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। और जो भी आपका फीडबैक रहेगा कमेंट में जरूर बताना, और कोई इशू रहेगा उसके लिए भी कमेंट पुट कर देना। और बस इसी तरह मेरे चैनल पे इंफॉर्मेशन वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो भी वॉच करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और अपने पैरोट को खूब प्यार देना, बहुत स्वीट होते हैं वो, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देना। सो जज़ाकअल्लाह एवरीवन।